गुड इवनिंग। अब मैं आई हूँ एलरो में और अभी इवनिंग टाइम हो चुका है, सन डोनर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड में शेफ्स के पास में काफ़ी सारे सेलिब्रेशन चलते हैं। कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है, कोई किसी को प्रपोज करता है, एंगेजमेंट एंड ऑल, काफ़ी प्रमोशंस चलते रहते हैं इस साइड में। सो लुक एट दिस व्यू। मैं आके ऑलमोस्ट 2 डेज हो चुका है, तो आज मेरा 3rd डे है गोवा में और आज मैंने स्टे किया है मोरजिम बीच साइड। तो अभी मैं आई हूँ मोरजिम बीच में। यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि आज है वीकडेज में ज़्यादा रश नहीं रहती। और वैसे भी इस साइड के जो बीचेस है, जैसे कि मोरजिम जा रहे हो, अश्वेम जा रहे हो, मैंद्रेम जा रहे हो, तो उसको हम प्राइवेट बीच बोलते हैं। मतलब मोस्टली प्राइवेट बीच बोलकर उसको उसकी एक पहचान है। सो देखते अभी ये वाला बीच। गुड इवनिंग। अभी मैं आई हूँ मैंद्रेम बीच। ये मेरा फेवरेट बीच है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जब लास्ट टाइम मैं आई थी यहाँ पे, एक दिन में मैंने 3 बार विजिट किया था, तो अच्छा लग रहा है। मैंद्रेम बीच आ चुकी हूँ। वेरी नाइस व्यू। बीच पे तो यहाँ का इवनिंग का जो टाइम है एकदम परफेक्ट टाइम है, लाइक सन डोनर टाइम। यहाँ पे काफ़ी रश रहती है और बहुत ही अच्छा फील आता है। मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है मेरा, और हर टाइम पे मैंद्रेम बीच पे मैं कंपलसरी आती ही हूँ। अगर आप लोगों को भी आना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक्टिविटीज चलते हैं यहाँ पे मैंद्रेम बीच पे, इट्स वेरी नाइस। और काफ़ी लोग खेलते भी है, आई मीन एक्सरसाइज भी करते हैं, काफ़ी कुछ चलता है, इट्स वेरी नाइस। अरंबोल बीच पे आई हूँ अभी। ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग इन द सेंस कि अभी 11 बज रहे हैं मॉर्निंग के, तो पानी पूरा यहाँ तक आ रहा है इसका, और कुछ देर बाद पानी नीचे चला जाएगा, लेकिन अभी पानी बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक आ रहा है और गहरा भी है काफ़ी। आज मैं आई हूँ डोनापोला, तो यहाँ पे काफ़ी रश है। अभी ये वाला एक्सप्लोर कर लेती हूँ प्लेस। मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस प्लेस पे। गोवा तो ऑलमोस्ट आती रहती हूँ, बट यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ पर सिंगम मूवी का और काफ़ी मूवीज़ का भी शूट हुआ है, काफ़ी अच्छा प्लेस है ये, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर एंट्री फ़ी है, देखिए ये पीछे का जो साइड है, यहाँ से मैंने एंट्री की है, 25 या 50 रुपीज़ समथिंग एंट्री फ़ी के चार्जेस है। ये साइड में जो है ना, सिंगम मूवी का जो है ना एक सीन शूट हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा एंट्री बंद कर दिया है, यहाँ पे सब लॉक किया है, तो यहाँ से उस साइड जा नहीं सकते हम लोग, बट यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वो प्लेस को। अभी मैंने यहाँ पर डॉल्फिन भी देखा 2-3 बार ऊपर आया था वो, तो अच्छा लग रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम देखा है डॉल्फिन। क्या बोल रहे हैं? हेलो गाइस, एक्चुअली मेरे साथ में एक हादसा, इन द सेंस एक किस्सा ऐसे हो गया कि मुझको जाना था कोमो कलेक्टिव डिजाइनर स्टोर में, लेकिन मैं बाय मिस्टेकली आ गई। कोमो अगावा मैंने मैप पे डाल दिया था, तो मैं आ चुकी हूँ इधर वैगाटर बीच के पास में। टाइम मिस्टेकली हो गया, लेकिन यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी ये जो बीच है, मतलब जिस साइड में मैं आई हूँ, ये बहुत छोटा है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा स्टोन दिखाई देंगे आपको। ये है टर्टल बीच जो मोरजिम बीच के पास में ही है, सब बीचेस लाइन में ही आता है वैसे भी, ये सब तो आपको पता ही होगा, बट अच्छा ये भी टर्टल बीच, बट यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, हार्डली 4-5 पीपल है यहाँ पे, और
पानी भी अच्छा है यहाँ पे, आप पानी में स्विमिंग कर सकते हो। यहाँ पे तो इतना कुछ मतलब खेलने के लिए ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। सुना है मैंने यहाँ के बीच में टर्टल्स है, इसलिए इसको टर्टल बीच बोला जाता है। मैं आई हूँ कलंगुट बीच पे और आज है संडे, तो आपको यहाँ पे कितनी भीड़ है ना वो दिखा देती हूँ मैं। मेरा ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं था कलंगुट बीच आने का, बट सडनली आ गई मैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं पर ही मैं आई थी लंच के लिए। इसलिए फाइनली टुडे इज़ माई लास्ट डे इन गोवा, तो मैं जा रही हूँ अभी, आज रात में निकलूँगी मैं पुणे के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 डेज रह चुकी हूँ, तो नई नई चीज़ें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की मैंने। जैसे कि साउथ में गई थी मैं, साउथ नॉर्थ मैंड्रेम मोरजिम, ये तो मेरा फेवरेट एरिया है एक्चुअली, मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है मैंड्रेम मोरजिम साइड में। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी बार स्टे किया और इस टाइम पे भी मैं इधर ही हूँ, मैंड्रेम बीच पे ही हूँ। तो गाइस ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।